देखिए आज हम पढ़ेंगे 16 अगस्त का करंट अफेयर्स, ठीक है। तो आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं हम 16 अगस्त का आपका करंट अफेयर्स। इसमें आपके क्या क्या मोस्ट क्वेश्चन होने वाले हैं उनको आज हम कवर करेंगे, ठीक है। उससे पहले आपने आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्राफीन आरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है। देखिए अगर इसकी बात करूँ तो ये किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा प्रोग्राम? ग्राफीन आरोरा प्रोग्राम आपका किसके मंत्रालय द्वारा किया गया? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय द्वारा, ठीक है। देखिए अगर आईटी इलेक्ट्रॉनिक इसके मंत्रालय के सचिव की बात करूँ तो इसके सचिव कौन है, ठीक है। तो इसके सचिव हैं आपके अल्केश कुमार शर्मा। कौन है आपके? अल्केश कुमार शर्मा, ठीक है। इसके सचिव हैं, ठीक है, अल्केश कुमार शर्मा इसके सचिव हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के, ठीक है। तो देखिए इन्होंने केरल के कोच्चि स्थित माकड़ विलेज में आयोजित समारोह में ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम का कहाँ पर? कोच्चि, केरल के कोच्चि स्थित, ठीक है, माकड़ विलेज में आयोजित हुआ था वहाँ पर एक समारोह, तो वहाँ पर ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम की शुभारंभ किया था, ठीक है। देखिए यह प्रोग्राम क्या है? डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल, ठीक है। अगर इस प्रोग्राम की बात करूँ आपके तो डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल, ठीक है, डिजिटल यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी केरल केरल और आपका इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से लॉन्च किया गया, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय इसके सहयोग से लॉन्च किया गया है। देखिए अगर इस प्रोग्राम के लिए जो रुपए खर्च होंगे इसके लिए बजट की बात करो तो बजट कितना रखा गया है, तो इसका बजट रखा गया आपका 94.85 करोड़ रुपये का इसका बजट रखा गया है, ठीक है। तो इतना इसका बजट रखा गया। इसमें क्या है? इसमें उभरते ग्राफीन प्रौद्योगिकी और नवसर इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप इतना ही याद रखिए किस किस के सहयोग से किया गया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री परपोषतम रूपाला ने किस राज्य में हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत करी है। देखिए अगर इसकी बात करूँ जो आपकी इसकी शुरुआत करी है ये करी है आपकी गुजरात राज्य से। कहाँ से करी है? गुजरात राज्य। केंद्रीय और पशुपालन मंत्री आपके जो डेयरी मंत्री हैं, अगर बात करूं आपके ये क्या है आपके केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रूपाला जो है आपके ये जो है आपके केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। क्या है आपके ये जो है आपके केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं, ठीक है। ये क्या आपके पशुपालन और आपके डेयरी मंत्री हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कौन से मंत्री हैं, पशुपालन और आपके डेयरी मंत्री हैं, ठीक है, रूपाला। तो इन्होंने गुजरात राज्य से इसका शुरुआत की है। वहाँ पे बाजपन शिविर के साथ साथ ए हेल्प यानी कि एग्रीगेट एजेंट फॉर हेल्थ एंड कार्यक्रम की शुरुआत करी है केंद्रीय मंत्री पशु धन जागृति अभियान के हिस्से के रूप में। काय की शुरुआत करी गई है? इसकी जो शुरुआत करी गई है वो करी गई है केंद्रीय मंत्रालय ने पशुधन जागृति अभियान के तहत, ठीक है। तो इसके तहत इसकी शुरुआत करी गई है, ठीक है, तो आपको इस चीज़ को भी याद रखना है, ठीक है, अभियान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा करी है। तो देखिए इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने अगर बात करूँ तो ये हैं आपके स्टीवन फिन ने। किसने करी है घोषणा? जो संन्यास लेने की करी है वो करी है आपकी स्टीवन फिन ने। देखिए इंग्लैंड के जो हैं तेज गेंदबाज थे ये, क्या है आपके इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं, ठीक है, ये इंग्लैंड के बहुत तेज गेंदबाज हैं जो स्टीवन फिन हैं। तो इन्होंने क्रिकेट के फॉर्मेट से संन्यास ले लिया, ठीक है। इनका कारण क्या था? इनके घुटने में चोट के कारण, ठीक है, तो क्रिकेट से बहुत दिनों से दूर थे, ठीक है। इन्होंने इंग्लैंड के लिए अगर बात करूं इन्होंने इंग्लैंड के लिए 36 टेस्ट कितने 36 टेस्ट और 69 एक दिवसीय, ठीक है, 69
एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय, और 21 T20, 21 आपके T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं, ठीक है। इन्होंने 2011 में, अगर इनकी बात करूँ, देखिए इन्होंने 2010 और 11 में ऐसे सीरीज के दौरान 14 विकेट हासिल किए थे। कितने किए थे? 14 विकेट हासिल किए थे उस समय, ठीक है, जिसमें टीम इंडिया ने, सॉरी, टीम ऑस्ट्रेलिया में 3-1 से जीत दर्ज करी थी उस समय, ठीक है। उसके बाद ये नहीं खेले हैं, ठीक है। तो आप कौन थे? तेज गेंदबाज थे। कौन थे? स्टीफन फिन थे। इन्होंने 36 टेस्ट, 69 एक दिवसीय क्रिकेट और 21 T20 खेले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिक ने एक नए तारे की खोज करी है? देखिए अगर इसकी बात करूं तो भारत के किस संस्थान ने, वैज्ञानिक ने एक नए तारे की खोज करी है? तो ये करी है आपकी, जो करी है खोज, ये करी है आपके भारतीय तारा भौतिकी संस्थान ने। किसने करी है? भारतीय तारा भौतिकी संस्थान ने इसकी खोज करी है। देखिए ये स्थित कहाँ पर आपका, तो ये बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पर आपका? बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। तारा भौतिकी संस्थान, जिसे बोलते हैं हम IIAB बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हम IIAB बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए तारे वैज्ञानिक की जो खोज करी है इन्होंने, उसका जो नाम दिया है, उसे नाम दिया है इन्होंने H-E-1005-1439 नाम दिया है, ठीक है। तो इसके बात करूँ तो इस तारे को कार्बन इंडसाइड मैचुअल पावर CMC के रूप में वर्गीकृत किया गया, ठीक है। तारे की जो रासायनिक संरचना इन्होंने कही है, संरचना का विश्लेषण करने के लिए सुबारू टेलीस्कोप से जुड़े स्पेक्ट्रोस्कोप HDFs का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है अभी, तारा भौतिकी संस्थान कहाँ पर आपका? बेंगलुरु में। और किसने खोज करी है इसकी? तारा भौतिकी संस्थान ने, ठीक है। इसका नाम जो दिया है H-E-1005-1439, ठीक है, इसका नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? देखिए अगर इसकी बात करूँ, G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो कहाँ पर किया जा रहा है आपका, तो ये किया जा रहा है आपका नई दिल्ली में। कहाँ पर किया जा रहा है? नई दिल्ली में। देखिए G20 फिल्म फेस्टिवल जो होगा आपका, ये 16 अगस्त से, कब से होगा आपका? 16 अगस्त से नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। देखिए इस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत सत्यजीत रे की पासेर पांचाली के साथ की गई है। इस फेस्टिवल की अगर बात करें, देखिए इस फेस्टिवल का आयोजन जो किया जा रहा है आपका, वो किया जा रहा है आपका, यानी कि आयोजन इंडियन इंटरनेशनल सेंटर और विदेश मंत्रालय के G20 सचिवालय द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। G20 सचिवालय के द्वारा कराया जा रहा है, ठीक है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका उद्घाटन किसने किया? देखिए इसका उद्घाटन की बात करूँ तो इसका उद्घाटन किसने किया है? उद्घाटन किया है अभिनेता विक्टर बनर्जी और भारत के जीवेश शेरपा अमिताभ कांत ने किया, ठीक है। उद्घाटन की बात करूँ किसने किया आपका? विक्टर बनर्जी, ठीक है, विक्टर बनर्जी और आपका भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने करा है, ठीक है, अमिताभ कांत ने इसका उद्घाटन करा है, ठीक है। देखिए यह फिल्म फेस्टिवल जो है 2 सितंबर तक चलेगा, ठीक है, 16 अगस्त से आपका 2 सितंबर तक चलेगा, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन की बात करूँ, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया? ठीक है, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है आपका, ये नाम रखा गया है आपका PM संग्रहालय और पुस्तकालय, ठीक है। क्या रखा गया है? PM संग्रहालय और पुस्तकालय। देखिए अगर इसकी बात करूं तो इसका आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी कर दिया गया। देखिए नेहरू मेमोरियल संग्रहालय की स्थापना की अगर बात करूँ तो इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1964 में। कब हुई थी आपकी? 1964 में, ठीक है। तो कब करी गई थी? नेहरू की 74वीं जयंती पर करी गई थी, ठीक है, नेहरू की
74वीं जयंती पर करी गई थी। ठीक है, 74वीं जयंती पर करी गई थी इसकी स्थापना। ठीक है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में इसका नाम बदलकर क्या है, अब क्या कर दिया, पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। ठीक है, देखिए अगर बात करूँ, राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता, जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम जो स्वतंत्रता दिवस था 77वां था, जो अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है, तो ये दिए आपका 76 पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। देखिए इसमें जो 76 पुरस्कार दिए जाएंगे, इसमें से क्या आपके 4 कीर्ति चक्र। ठीक है, इसमें जो दी गई आपके 4 क्या हैं, 4 हैं आपके इसमें कीर्ति चक्र। ठीक है, क्या हैं, कीर्ति चक्र जो दिए जाएंगे आपके मरणोपरांत। ठीक है, मरणोपरांत, और इसमें हैं आपके 5 मरणोपरांत से 11 शौर्य चक्र। ठीक है, 5 में हो गए, 5 मरणोपरांत सहित 11 शौर्य चक्र। ठीक है, 11 शौर्य चक्र, और आपके 2 बार 2 सेना मेडल। ठीक है, 2 बार 2 सेना मेडल, 2 सेना मेडल। ठीक है, 52 वीरता सेना पदक। ठीक है, 52 वीरता सेना पदक। ठीक है, और आपके 3 नौसेना पदक, 3 नौसेना पदक, और आपके 4 वायुसेना पदक शामिल है। ठीक है, इसमें 4 क्या है आपके, 4 वायुसेना पदक शामिल है। ठीक है, तो ये इसमें शामिल है, आपको इतना याद रखना, कितने की स्वीकृति दी गई है, 76 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी गई है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। ठीक है, इसकी PDF वहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।